नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहिंगा बांग्लादेशियों को देश और दिल्ली में किसने बसाया। ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंगा अपनी जड़ें जमा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा में बांग्लादेशी मुस्लिमों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। तो आज कई अहम सवाल है। सवाल नंबर एक, जहांगीरपुरी हिंसा का रोहिंगा कनेक्शन क्या है? सवाल नंबर दो, देश की राजधानी दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंगा घुसपैठिया? सवाल नंबर तीन, कि जब सरकार बता चुकी है कि रोहिंगा को देश की सुरक्षा के लिए खतरा, फिर कौन इन्हें समर्थन कर रहा है? सवाल नंबर चार, कि क्या है रोहिंगा का आतंक से कनेक्शन? और आखिरी सवाल, कि क्यों रोहिंगा के मुद्दे पर बार बार गर्माती है राजनीति? तो आज इन्हीं अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोहिंगा और बांग्लादेशी को लेकर हमेशा राजनीति देखी गई है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में ये कैसे आए, कौन इनका समर्थन कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। कल केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया भाई बीजेपी बसा रही है, कहां से आ रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों नहीं उसे रोक रही है, 8 साल में कितने रोहिंग्याज आए, क्या हुआ नहीं हुआ, तमाम तरह के सवाल। लेकिन मीडिया, चूँकि केजरीवाल का पैसा इतना एडवर्टीजमेंट से लोग कमाते हैं जी, सही सही बताते नहीं हैं। अब पहले समझिए है क्या ये पूरा प्रॉब्लम, पूरा विवाद। तो ये रोहिंग्याज कौन है, कहाँ से आते हैं? तो रोहिंग्याज बर्मा म्यांमार से आते हैं। म्यांमार में ये लोग वही जिहाद, तो वहाँ तो हिंदुस्तान की तरह कायर हिंदू तो रहते नहीं हैं, वहाँ एक और शांति प्रिय कम्युनिटी है बौद्ध, इन लोगों को मार के वहाँ से भगा दिया गया क्योंकि ये लोग वहाँ पे वही शरीयत, वही कट्टरपंथी, वही कन्वर्जन, वही तमाशा, वही ISIS, वही जिहाद, ये सारा कुछ शुरू हुआ। इन लोगों को वहां से भागना पड़ा तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश पहुंच गए, ठीक, और दुनिया जहान में जा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है इसमें कि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज, उन्होंने रोहिंग्या को लेने से मना कर दिया जी। ठीक, तो ये रोहिंग्या हो गए। दूसरा, ये बांग्लादेशी, अब कोई दिल्ली से जयपुर तो जाना नहीं है कि बस से पकड़े और चले गए, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना होता है, दूसरे देश में आप आ रहे हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो ये धंधा शुरू हुआ कब? बीजेपी तो अभी जुम्मा जुम्मा 8 साल 10 साल से एक्टिव हुई है, यह कहानी तो 50 साल पुरानी है। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार कहां? बंगाल में। बांग्लादेश से किसी को आना है इधर हिंदुस्तान तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। दो जगह है, एक असम का बॉर्डर मिलता है और बंगला पश्चिम बंगाल का मिलता है, तो वहां कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि आप अंदर घुसे और यहां का पूरा सिस्टम हो। तो हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी आते हैं एक रैकेट के माध्यम से आते हैं, और इस रैकेट को बनाया किसने? इस रैकेट को बनाया वामपंथियों ने, कांग्रेस पार्टी ने। असम में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार, वामपंथियों की सरकार पश्चिम बंगाल में, तो वहां का भी एजेंट है, यहां का भी एजेंट है। वो यहां आते हैं, नौकरी की भी व्यवस्था कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, और जब इधर आते हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन का कार्ड, उनको राशन कार्ड बना करके दे दिया जाता है, फिर वो चलते रहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई
बीजेपी लेकर के आ रही है? बीजेपी लेकर के नहीं आ रही, बीजेपी शुरू से ही इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो वो यही रोना रोती थी कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोको, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, ये वामपंथी जो है उन लोगों को बुला रहे हैं, वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, मुसलमानों को ये कर रहे हैं, और इतना ज्यादा वो लड़ती थी इसको लेकर के, रोती थी कि बंगाल का क्या होगा, की होबे, और वो इतना लड़ती थी कि पहली बार लोकसभा के स्पीकर के देह के ऊपर पूरा का पूरा फाइल दे मारी थी ममता बनर्जी कि बांग्लादेशियों को रोको, ये बांग्लादेशियों को भगाओ। और जिस किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, अभी समाजवादी पार्टी में वो लीडर है, उसको जाकर के घूंसा मार रही थी पार्लियामेंट के अंदर। आज उसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की सबसे बड़ी प्रोटेक्टर वही है। अब 8 साल में क्या हुआ, बीजेपी आई, बीजेपी ने कहा कि भाई हम भगाएंगे, क्यों भगाएंगे, तो एक और कहानी सुन लीजिए। अब वापस चलते हैं रोहिंग्या के पास। रोहिंग्या सबसे पहले हिंदुस्तान में मालूम है कहां पे ये जाकर के सेटल हुए, जम्मू। न उन्हें भाषा आती है, ना वो यहाँ के ज्योग्राफी को जानते हैं, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं। तो रोहिंग्या बांग्लादेश में रुके हुए हैं, वहां से वो हिंदुस्तान आते हैं, और हिंदुस्तान से चुपचाप उसको सीधे कहां, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में जहां कोई कुछ नहीं बोलेगा। फारूक अब्दुल्ला की सरकार वहां, और मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में, और ममता बनर्जी की सरकार कहां, पश्चिम बंगाल में, और कुछ समय के लिए वामपंथियों की सरकार, बुद्धदेव जी चीफ मिनिस्टर। तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हवाई जहाज से रोहिंग्या को उठाया बर्मा से और सीधे उड़ा करके वहां पे पारा ड्रॉप करवा दिया। सबके पास आधार कार्ड, सबके पास राशन कार्ड, सबके पास इलेक्शन कार्ड, सब कुछ बना बनाया, कौन कर रहा है? अभी तो बीजेपी की सरकार आई नहीं है और ये सब हो गया। अभी 40,000 वहां पे रोहिंग्याज हैं और सारे जिहादी टेररिस्ट और एंटी सोशल एलिमेंट वहां जो है उससे निकल रहे हैं। अब आते हैं दिल्ली जी। दिल्ली में जब मदन लाल खुराना की सरकार बनी, कब, अर्ली 90s, 95 के आसपास दिल्ली में एक ऑपरेशन चलता था। ऑपरेशन किस चीज का, कि ये लोगों को जहां जहां बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, बांग्लादेशियों को पकड़ा जाता था, पकड़ के और पुरानी दिल्ली के पास एक स्कूल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। और उस समय चलती थी तिनसुकिया मेल, तिनसुकिया मेल से उन्हें अलग डिब्बा लगा करके बॉगी में बिठा करके उन लोगों को भेजा जाता था। ये दिनचर्या था, ये रेगुलर बेस पे किया जाता था। कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। शीला दीक्षित की सरकार आई, बोली कि नहीं नहीं भाई, ये कैसे, ये तो हमारे अतिथि हैं, उनको आई कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ डाल डाल करके रेगुलराइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक मुश्त इनके वोट बैंक बन जाते हैं। जितना इल्लीगल काम होता है ये क्या करते हैं, आप देखिए, कहीं मर्डर कर दिया भाग गए। आप तो नोएडा में रहती हैं, आपके पास ही एक, जहां आप रहती वहां पास में एक जगह एक लड़की गायब हो गई थी, एक बड़ा सा अपार्टमेंट जहां बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया था, अपार्टमेंट के ऊपर ही सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास थे, ऑल ऑफ देम, सारे लोग। दिल्ली इस वक्त चारों तरफ इसके बॉर्डर्स में ये रोहिंग्या जो बांग्लादेशी घिरे हुए हैं उनको बसाया गया है। कौन बसा रहा है? दलाल टीएमसी। देखिए जैसे ये जहांगीरपुरी वाला जो पूरा मसला हुआ, क्यों सारे लोग का बंगाल कनेक्शन है जी। सारे लोग बंगाल, भाई दिल्ली के अगर मुसलमान होते
तो दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता, पूछताछ की जा रही है तो मालूम चल रहा है कोई मालदा कोई कुछ। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो बांग्लादेशी निकलेंगे जी। और कहा भी जा रहा है कि जहांगीरपुर हिंसा में इन्हीं लोगों का हाथ, हर जगह, चाहे आप सीलमपुर ले लीजिए, आप देख लीजिए सीमापुरी ले लीजिए, आप नंद नगरी ले लीजिए, आप कहीं भी चले जाए, ओखला ले लीजिए, ओखला के बाद अब मुझे याद आया कि केजरीवाल का सबसे चहेता अमानतुल्ला, ये मार्च 2020 की बात है। ये शाहीनबाग के कुछ दूर वहां पे कुछ रोहिंग्या वहां पे रह रहे थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या सब। अब उन बेवकूफों को मालूम नहीं कि वो दिल्ली का हिस्सा नहीं है, वो जाकर के वहां पे रहने लग गए, मालूम चला वो तो यूपी का हिस्सा है। बाबा जी को मालूम चल गया, बाबा जी को मालूम चला, बस आ गया बुलडोजर, पकड़ धकड़ शुरू हुआ। तो पकड़ धकड़ जैसे ही शुरू हुआ, ये केजरीवाल का चहेता अमानतुल्ला ने वहां पे बवाल शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करवाया, उन लोगों को रिसेटल कराया जी। और बेशर्मी आम आदमी पार्टी की वो उल्टा सवाल कर रही है कि भाई कौन बसा रहा है। और देखिए कितने शातिर हैं लोग। मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल जो है वो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है जी। भाई कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए हैं इसकी काउंटिंग कोई कर सकता है? अरे भाई सरकार के पास अगर ये काउंटिंग हो जाए कि भाई इतने लोग हैं बांग्लादेश से आए हैं या रोहिंग्या हैं, पकड़ के उनको फेंक दिया जाएगा, तो वो इलीगल हो गए ना भाई। तो आपने उठा दिया कि भाई सरकार बताए कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को आपने सेटल कराया। भाई इसकी कोई संख्या, जिस दिन संख्या मालूम हो जाए, इसी संख्या को मालूम करने के लिए तो एनआरसी लाया जा रहा था और जिसका विरोध ये लोग कर रहे थे। कागज नहीं दिखाएंगे, मैंने सारी चीजें, सीए का विरोध क्यों, सीएए का विरोध क्यों? असली वजह यही है कि यही केजरीवाल, यही राहुल गांधी बोल रहा है संविधान के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। मतलब देश की जनता को इन लोगों ने मूर्ख समझ लिया है। सीए क्या था, सीए में ये क्यों कह रहे थे भाई मुसलमानों को भी आप उसमें जगह दें ताकि इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को ये लोग हिंदुस्तान का सिटीजनशिप दे सकें, कि डिस्क्रिमिनेटरी है भाई। हिंदुस्तान के मुसलमानों को उस कानून से कोई लेना देना नहीं था। वो कानून इसलिए बनाया गया था कि जिन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर वहां के माइनॉरिटीज, मतलब सिख हो चाहे हिंदू हो चाहे वो ईसाई हो चाहे कोई और हो, बौद्ध हो जैनी हो, उसको अगर प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो अगर वो हिंदुस्तान में आना चाहता है तो उसको उस आधार पे हम सिटीजनशिप दे देंगे। मुसलमान को नहीं रखा गया था, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में मुसलमान को प्रताड़ित करने वाला कौन है? कोई नहीं है। इन लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान को भी डालो। क्यों? कि अगर डाल दिए तो यही बांग्लादेशी, यही जो मोटा मोटा चेन पहन करके सारा कुकर्म करने वाले ये सब बदमाश, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये जिहादी, इन लोगों को आप सिटीजनशिप दिलवा देते। ये विरोध हो रहा था। अभी आप सवाल कर रहे हो कि बांग्लादेशी कौन बसा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे भाई उसका पूरा रैकेट चल रहा है, ममता बनर्जी से पूछो। मैं आपको एक बात और बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बात ऐसी छेड़ दी है। तो भाई पहले क्या होता था कि भाई घुस गए, उनका कार्ड बन गया, अब आधार वाधार आ गया है तो बहुत सारा दिक्कत भी होता है कि भाई कैसे क्या किया जाए जी। तो ममता बनर्जी एक स्टेप आगे, तुम डाल तो मैं पात, लेकिन रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को बसाऊंगी तो जरूर। ये सीधे एकदम हार्ड कोर वोट बैंक बन जाते हैं। तो ये लोग करते क्या है, आधार कार्ड बनाने के लिए एक स्क्वायर फीट जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। कानूनी तौर पे कोई रुकावट नहीं है इसमें। जमीन आपने क्या किया, एक स्क्वायर फीट जो है आपने अपने नाम करा लिया, किसी का काम पर नहीं है वो। ये सब करते दलाल साहब। अब वो रजिस्ट्री भी हो गई तो क्या हुआ कि आप बांग्लादेशी हैं लेकिन आपके नाम से जमीन रजिस्टर्ड है, मतलब आप यहां के हो गए।
कोई पूछते भाई कोई प्रूफ है, जमीन है, कोई क्या है नहीं है, बोले भाई ये लीजिए, और उसके आधार पे आपको आधार कार्ड बन जाता है, फिर घूमते रहते हैं। फिर तो ये विस्फोटक स्थिति है, अब उसके खिलाफ कोई बोलेगा? 3 दिन से हनुमान जयंती के दिन जो मस्जिद से पथराव हुआ अनप्रोवोक्ड, केजरीवाल ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं? ये मनीष सिसोदिया ने किया नहीं? ये अतिशी मार लेना आई बाहर नहीं? संजय सिंह आया नहीं? मस्जिद जो इलीगल सरकारी जमीन के ऊपर एक उसका ईंट क्या गिरा, ये भड़बड़ा गए सारे लोग, संविधान खतरे में आ गया, सब कुछ खतरे में आ गया। तो ये तमाशा जो है वो समझिए कि अगर आप अर्ली 90s, मतलब बीजेपी कहीं और छोर ठिकाना नहीं है, उस समय इस बात पे गहन चिंता होती थी कि असम के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, ये बांग्लादेशी जो आ रहे हैं उनको बाकायदा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देकर के जो किया जा रहा है, जहाँ कहीं कांग्रेस की सरकार होती है, जहाँ इस तरह की सरकार आती है वहाँ चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आई कर्नाटक में, बेंगलोर में रोहिंग्या पहुँच गए, बांग्लादेशी पहुँच गए, भाई रोहिंग्या के साथ कुछ हो रहा है वहाँ, महाराष्ट्र में आज़ाद मैदान में क्या हुआ, वहाँ पर क्यों दंगा भड़क गया, क्यों? बांग्लादेशी कौन? वही कांग्रेस पार्टी। भाई जयपुर में कहाँ से बांग्लादेशी आ जाएंगे, गुजरात में नहीं मिलेगा, ये भी करामत है, गुजरात में नहीं मिलेगा, कारण वहां डंडा किया जाएगा, पिटाई होगी, वहां कोई सपोर्ट सिस्टम आपका नहीं होगा। जहां कहीं भी आपको रोहिंग्या और इसको बांग्लादेशी को बसाना है, सरकार बनवा दीजिए, आ जाएंगे। तो ये सवाल जो है वो इट्स ए नेटवर्क, दलाल बांग्लादेश में भी हैं और दलाल पश्चिम बंगाल में भी बैठे हुए हैं, उनके पास कम्युनिकेशन होता है कि किस तरह से लोगों को पार कराना है, वो पार कराते हैं, इसमें वहाँ की बंगाल की पुलिस भी होती है, उसमें BSF भी उसमें शामिल हो जाती है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है जिनका वो उनका जो ड्यूटी है कि भाई कोई इधर से उधर ना हो, सब माल के ऊपर जो है वो घूस घास लेकर के सब लोग अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुसने के साथ ही इन लोगों का पूरा नेटवर्क है कि कैसे आधार कार्ड बनना है, कहाँ राशन कार्ड बनना है, कहाँ इलेक्शन कार्ड बनना है, कैसे सारा कुछ करना है, और उसके बाद वो करवाते हैं। सिर्फ इतना नहीं करवाते, कहाँ जॉब दिलवानी है, कहाँ क्या करना है, किस जगह पर भेजना है, ये सारा एक नेटवर्क कुख्यात काम कर रहा है, और इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज? सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज। बृंदा करात ऐसे नहीं पहुंची, बृंदा करात का दिल्ली में क्या है, किसी गली में उसको कोई पहचानने वाला नहीं है जी। लेकिन पहुंच गई आज, कल बुलडोजर चला नहीं बस पहुंच गई छाती पीटने के लिए, भाई तुम हो कौन, तुम्हारा एक विधायक है, तुम्हारा एक पार्षद भी है क्या, लेकिन पहुंच गई बचाने के लिए, क्यों? वो उसी नेटवर्क का वामपंथी है ना CPM, तो CPM की सरकार थी, तो वो बांग्लादेशियों को कैसे हिंदुस्तान में बसाना है इसका तो मास्टरमाइंड है ये लोग। तो खुद सारे कुकर्म करो और सवाल किसी और से पूछो। टेलीविजन वालों को तुमने एडवर्टीजमेंट दे रखा है पैसा ठोक करके, अब तो पंजाब से भी आ रहा है, तो कोई आपसे सवाल पूछेगा नहीं, इसलिए अनर्गल बातें कर दो, हेडलाइन कल छपेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा उससे, लेकिन हेडलाइन छाप देगा, मनीष सिसोदिया बांग्लादेशियों को BJP बसा रही है, मनीष सिसोदिया, भाई अंदर माल क्या होगा लिखा हुआ भगवान जाने, लेकिन लोग ऐसे देखेंगे, अरे BJP वाले बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं 8 साल से, यही प्रोपेगेंडा का खेल है। देश मुश्किल में है, दिल्ली पे ज़्यादा मुश्किल है, अभी शुरुआत है, दिल्ली के हर बॉर्डर पे, हर जगह बांग्लादेशी रोहिंग्या ने अपना जड़ जमा लिया है, कभी भी बवाल होगा, अब देखेंगे, यही एलिमेंट्स पुलिस के खिलाफ आग बरसाएंगे। जी बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुई हिंसा के लिए रोहिंग्या मुस्लिमों और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को ही अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये घुसपैठिया, लूटपाट, झपट्टामारी, शराब तस्करी समेत कई स्ट्रीट क्राइम में शामिल होते हैं और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकालने की मांग भी होती आई है, पर कुर्सी पर बैठे कुछ लोग इन्हीं की मदद करने में जुटे रहते हैं। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, पर कल एक बार फिर से कुछ अहम सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।